आई थिंक ये जो गाना है बैंक्स्योर का, तशरीफ जो गाना है, ये टिपिकली एक नॉन बॉलीवुड जिसे कह सकते हैं सॉन्ग है. एंड हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर्स जिन्होंने ऐसा गाना के पहले तो ब्रीफ दिया और जिन्होंने ऐसा गाना एक्सेप्ट करके उसको रिलीज़ किया है. सो ऐसे बहुत कम मौके हमको मिलते हैं कि यू नो ऐसे ब्रीफ्स आते हैं. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ ब्रीफ्स, एंड जो कि थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करने का जोन हो और मौका दें कुछ कुछ नया करने का. इसका ब्रीफ सिर्फ दो शब्दों में था कि एक ऐसा गाना होना चाहिए जो कि एक कॉमन मैन रिलेट कर पाए और एक जो कंप्लीट लूज़र है उसका एंथम हो. कि यू नो हम हर एक हमारे कहीं ना कहीं यू नो मकाम में, चाहे हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हों, बट एक ज़िंदगी के एक सफ़र में एक तशरीफ़ ज़रूर लगती ही लगती है. तो उस मोमेंट से रिलेट करता है ये गाना. एंड ये गाना जब लिखा था तो ब्रजेश हीट जी जो एक्टर हैं, जो कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं एंड थिएटर भी करते हैं, सो वो मेरे साथ बैठे थे जब ब्रीफ आया था. सो आई नरेटेड हिम कि ब्रीफ क्या यार, ऐसा कुछ तो अलग सा ब्रीफ है और बड़ा मज़ा आने वाला. तो कहते हैं यार कि तशरीफ़ के बारे में ना बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हुई हैं कि तशरीफ़ रखिए और बड़े अदब से यूज़ किया जाता है, बट उसके सही कॉन्नोटेशन किसी ने यूज़ नहीं किया. सो व्हाई डोंट यू मेक अ सॉन्ग ऑन या दैट, एग्जैक्टली यू नो. सो वी जस्ट लाफ्ड अवे. तो उसके बाद मैंने अपने राइटर से बात की, अधीश से, कि यार ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या. सो ही केम अप विद दिस दीज वर्ड्स एंड देन वी मेड दिस गाने का. एक गाना अगर बनना होता है तो 10 मिनट भी बन या जाता है, अगर नहीं बनना होता है तो 2 महीने भी लगते हैं. सो इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज दैट यू आर पुटिंग इन. सो इस गाने में 2-3 दिन के अंदर अंदर जो था पूरा प्रोसेस ख़त्म कर दिया था हमने कंपोज करने का. उसके बाद यू नो वी वर लिरिक्स में हम टू एंड फ्रो कर रहे थे. सो जो पहला ख्याल था इस गाने का वो मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को टॉयलेट में आया था तशरीफ के ऊपर बैठे बैठे. सो यू नो जो जो पहली ट्यून थी वो वहाँ पर आई थी. एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम जहाँ आपको बहुत से आइडियाज़ भी आते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन द लू. सो दैट इज़ माय बेस्ट स्पेस जहाँ पर मैं बहुत सी अच्छी कॉम्पोजिशंस पानी द रंग से लेकर तशरीफ तक वो मेरे को लू में आई हैं, मतलब जो फर्स्ट इनिशियल थाट्स हैं. आई थिंक ये एवरी वन इज़ वेरी एक्साइटेड, सो दैट्स वाई यू नो द सॉन्ग इज़ बींग प्रोमोटेड ऑल्सो वेरी वेल. मेरे को याद है कि हमने एक कप्स वर्जन करना था विवेक के साथ और जो दो एक्टर्स हैं भुवन एंड आई थिंक विक्रम थापा उनका नाम है. सो दो एक्टर्स रितेश के साथ हमने एक कप्स का वर्जन करना था, हमने शूट करना था. तो वो उसके रिहर्सल में हमें कुछ मेरे को बोला गया कि 2-3 दिन लगेंगे रिहर्स करने में, बट रितेश वॉज सो क्विक दैट यू नो ही पिक्ड अप द कप्स का बीट इन से 2 2 और 3 आवर्स. एंड वो 5-6 रिहर्सल्स में यू नो वी वर गुड टू गो विद दैट सॉन्ग. एंड वो एक वर्जन यशराज ने निकाला भी है जिसमें कि हम चारों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और एक लाइव कप्स के या ऊपर यू नो वी आर जैमिंग टुगेदर. सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग. एंड रितेश पर्सनली ही लव्ड द सॉन्ग एंड दैट्स वाई यू नो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट एंड ही इज़ प्रमोटिंग हिमसेल्फ वेर एवर ही इज़ गोइंग. लखनऊ सेंट्रल एक फिल्म आ रही है निखिल अडवाणी प्रोडक्शंस की, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन गाना है जो कि आई रियली होप ऑडियंस को पसंद आएगा, मेरे दिल का बहुत करीब है. उसके बाद अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो है करीब करीब सिंगल, एक इरफान खान स्टारर फिल्म है और जो कि बहुत ही प्यारी कहानी है और उसमें दो रोमांटिक सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं. उसके बाद एक विधु विनोद चोपड़ा सर की का प्रोजेक्ट है जो उनकी सिस्टर डायरेक्ट कर रही हैं शैली, उसके लिए आई एम डूइंग द इंटायर एल्बम. सो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था. सो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि वो काम करने का मौका भी मिल रहा है.